आज एक और नई चार्जशीट फाइल हुई है ईडी के द्वारा, और इस चार्जशीट को देखने के बाद मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प पर, मुझे फंसाने की उनकी चाहत पर हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। और उनकी तड़प, उनकी मुझे फंसाने की परेशानी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आप तड़पो मत, इतना ही ज्यादा अगर मुझे फंसाने का आपने ठान लिया है अपने मन में तो एक फोन करके बता दो कि भाई मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मुझे तुम्हें जेल भेजना है, भेज दो जेल, हम चले जाएंगे जेल। लेकिन ऐसी झूठी कहानियां बना के अपने आप को देश के सामने उजागर मत करो प्रधानमंत्री जी। आपकी संस्था ईडी को कॉमेडी सर्कस मत बनाओ, मजाक बन गया ईडी और ईडी की जांच। और मैं भी सिलसिलेवार करके आपके सामने बताऊंगा। आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने ईडी के खिलाफ आवाज उठाई कि ईडी का मिसयूज होता है, ईडी का दुरुपयोग होता है। उसके बाद प्रिविलेज कमेटी की नोटिस मुझे मिली, वो प्रिविलेज कमेटी की नोटिस का मैंने जवाब दिया है और वहां पर मैं प्रिविलेज कमेटी जब बुलाएगी मैं जाऊंगा भी। उसके बाद मैंने, मेरा नाम चार्जशीट में गलत ढंग से शामिल किया गया तो मैंने ईडी को नोटिस भेजा डिफेमेशन का। फिर उन्होंने मुझसे गलती मानी कि साहब गलती से लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। अब उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतिहास में पहली बार ईडी को अपनी गलती माननी पड़ी, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आज उन्होंने क्या करिश्मा किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, अमित अरोड़ा, जिसने अपना खुद भाजपाइयों से एक फर्जी स्टिंग करवाया और उस स्टिंग को जारी किया, बीजेपी वालों ने उसके फर्जी स्टिंग को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक बयान मेरे खिलाफ दिलवाया,